अच्छा एक बार साउंड देखेंगे, ठीक है अभी साउंड सही होगा, चलिए अभी साउंड सही होगा। आज मैं फिर तीसरी बार रिपीट करूंगा। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, और मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोग सिलेबस फिनिश करके रिविजन पे जंप कर चुके हैं, रिविजन हम क्वेश्चन की मदद से कर रहे हैं जिसमें हम डेली क्लास करते हैं क्वेश्चन की, और आपके लिए शानदार बेहतरीन क्वेश्चंस लाए जाते हैं जिनमें आपको कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत जो क्वेश्चन करने के लिए होती है वो रिवीजन की होती है। सिलेबस एक बार जब कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट फेज जो चलती है हमारी वो रिवीजन 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 होती है। ये तीन वर्ड्स अपने दिमाग में जरूर बिठाइए, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। ठीक है बच्चे, तो एक बार मुझे बताएंगे आपका रिवीजन कैसा है, कल की क्लास का, आज की क्लास को करने के लिए जो आज का जरूरी है मोशन गति, उसका आपका रिवीजन कैसा है जल्दी मुझे बताएंगे। उज्जवल तोमर ठीक है, हाँ आ गई। सौरभ गुप्ता गुड मॉर्निंग। दीपक गुजर राम राम। राम राम भाई जी, अभिषेक आ गए हैं गुड मॉर्निंग। यशवीर सिंह गुड मॉर्निंग। बताएंगे सभी अच्छा है। उज्जवल तोमर कह रहे हैं अच्छा है। कन्हैया राजभर प्रणाम। प्रणाम भाई। हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सअप अ क्रिएशन लिरिक्स। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये कहां से छापा है आपने? आपका मन ए क्रिएशन जी का मन किया होगा कि मैं आप थोड़ी इंग्लिश बोलूं, तो उन्होंने इंग्लिश का कुछ ज्यादा मिला नहीं तो व्हाट्सअप से उठा के छाप दिया। रिवीजन तो ठीक है, बाकी अब पता चल जाएगा। अभिषेक राणा बहुत बढ़िया, रिवीजन आपका अच्छा है, वेरी गुड। बाकी आज मैं आपको 3 से 4 नए कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा जो हमारे बच गए थे जब हम नॉर्मल क्लासेस कर रहे थे। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बारीकी से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बिल्कुल भी क्वेश्चन के जाल में नहीं फंसना है। बताएंगे बच्चे। उपेंद्र कुमार ताइक्वांडो, जय हिंद सर। उपेंद्र जी जय हिंद, कैसे हैं आप उपेंद्र? मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बताएंगे सभी इसका आंसर। क्वेश्चन है, एक भारी और हल्का पिंड एक टावर के ऊपर से एक साथ गिराया जाता है तो कौन पहले धरातल पर पहुंचेगा? आपने बोला है कि दोनों एक साथ पहुंचेंगे। बहुत ही शानदार बच्चे, वेरी गुड आपका आंसर है। देखिए कन्हैया, ऐसा आपको लगता है कि भारी पिंड जल्दी पहुंचेगा, भारी पिंड जल्दी पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चे। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला है या निर्वात बोला है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, अगर उसने कुछ भी नहीं बोला है या बोला है निर्वात, हल्का पिंड एक टावर के ऊपर से अगर ऐसे भी बोलता कि अब भी सही है, और अगर ऐसे बोलता निर्वात में गिराया जाता है, तब भी ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि निर्वात या तो कुछ भी ना हो या तो निर्वात भी बोले तो पिंड दोनों एक समान पहुंचेंगे। इसका मतलब उसने कहीं भी हवा का जिक्र नहीं किया है। क्या आपको बात समझ में आई है? कहीं भी उसने हवा का जिक्र नहीं किया है। ध्यान से पढ़िएगा, चलो इसको होल्ड करिए एक सेकंड, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला भी आया हुआ है और उसने बोला हुआ है सब कुछ सेम है, बिल्कुल यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन उसने क्या बोला है कि एक ही ऊंचाई से हवा में गिराया जाता है। ध्यान रखिए, किसमें गिराया जाता है बच्चे? हवा में गिराया जाता है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हवा है तो क्या करेगी? वो प्रतिरोध बनाएगी, यानी जब दो वस्तुएं गिर रही होंगी तो हवा उनके रास्ते में रुकावट डालेगी, भारी वस्तु के में कम डालेगी, हल्की वस्तु के रास्ते में रुकावट ज्यादा डालेगी, तो भारी वस्तु जल्दी नीचे पहुंचेगी अगर हवा है तो। भारी वस्तु कौन पहुंचेगी? जल्दी नीचे पहुंचेगी अगर हवा है तो। अगर हवा नहीं है, जैसे पहला क्वेश्चन था, अगर हवा नहीं है तो आंसर हो जाएगा बच्चे दोनों एक साथ पहुंचेंगी, दोनों एक साथ पहुंचेंगी। प्रकाश पांडे, उज्ज्वल तोमर, राखिया दाना, दीपक, अंजलि, बहुत शानदार आपके आंसर हैं, बहुत अच्छे बच्चे आप आंसर कर रहे हैं कि हवा कैसी पहुंचे, अगर हवा है तो भारी चीज जल्दी पहुंचेगी, अगर हवा नहीं है तो दोनों समान पहुंचेंगे। मैं उम्मीद करूंगा यह कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पढ़ाई देता हूं, ग्राफ वाली चीजों पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यह कॉन्सेप्ट समझाई देता हूं कि कैसे ग्राफ से हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं आपको ग्राफ बताता हूं, किस किस के ग्राफ पढ़ेंगे हम। एक तो पढ़ेंगे बच्चे हम मान लीजिए वेग और समय का, वेग और समय का ग्राफ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम त्वरण और समय का ग्राफ। ठीक है, वेग समय त्वरण और समय के दो ग्राफ हमें यहां पे पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। पहले पढ़ लो इनको, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन करा दूंगा। एक्सेलरेशन
और टाइम का ग्राफ। देखिए मैं हमेशा कहता हूं जो 80-20% चीजें छूट जाएंगी मैं क्वेश्चन सीरीज में उन्हें बिल्कुल कंप्लीट कराऊंगा, तो मैं अपना वादा यहां पे पूरा कर रहा हूं, आप भी ध्यान से पढ़िएगा। देखो क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जैसे मान लीजिए यहां पे वेलोसिटी है और यहां पे टाइम है, आप फॉर्मूला बताइए मुझे वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर होता है बच्चे दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यहां से दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी वेग गुणा समय। दूरी कितनी आ जाएगी, वेग गुणा समय। तो जब हमें दूरी पढ़नी होगी तो हम वेग और समय का ग्राफ पढ़ेंगे। याद रहेगा कि जब हमें दूरी पढ़नी होगी, दूरी निकालनी होगी, तो हम वेग तथा समय का ग्राफ पढ़ेंगे। यह बात आपको समझ में आई। वहीं अगर आप फॉर्मूला देखें, त्वरण क्या होता है, त्वरण त्वरण होता है वेग बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अर्थात अगर यहां से हमें वेग की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, त्वरण गुणा समय। मतलब अगर मुझे त्वरण वेग पढ़ना है तो मुझे त्वरण और समय का ग्राफ पढ़ना होगा। किस किस का ग्राफ पढ़ना होगा, त्वरण का और समय का। बोलो यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार थम्स अप करते जाएंगे इस वाले टॉपिक में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समझने लायक है, छोड़ सकते नहीं है। इसलिए कोई ये मत कहना कि मुश्किल है, 10 नहीं 50 बार समझाऊंगा, जब तक समझ नहीं आएगा तब तक समझाऊंगा। बस आप ये मत कह देना कि मुश्किल है, क्योंकि बच्चे जितना आपको आता है अगर उतने पे डटे रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होते हैं, उससे थोड़ा बढ़ के ही आपको सीखना पड़ेगा। यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल पवन सैनी, किसी पुरानी क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो जो नेक्स्ट क्लास हो, मतलब जैसे जो आज की क्लास है ना, करंट क्लास, उसके कमेंट सेक्शन में आप डाउट कर दिया करो, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा। तो बच्चे आपने क्या देखा कि अगर दूरी आपको पढ़नी है तो वेग और समय का ग्राफ पढ़ना होगा, और अगर आपको वेग पढ़ना है तो त्वरण तथा समय का ग्राफ आपको पढ़ना होगा। चलिए अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं, कैसे बच्चे देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले हम ये वाले ग्राफ पढ़ते हैं, मान के चलिए ये दे रखिए आपको दूरी, ये है चली गई दूरी, और ये है आपका तय किया गया समय। ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा कि मान के चलिए कोई पार्टिकल क्या करता है, ऐसे जाता है, मतलब उसके द्वारा चली गई दूरी पहले बढ़ती है, कितने सेकंड तक बढ़ती है, मान लो यहां 10 सेकंड तक उसके द्वारा दूरी बढ़ती है। समय किसमें है, सेकंड में, और दूरी किसमें होगी, यहां मीटर में, और कितने मीटर चलता है वो, 50 मीटर। मतलब देखो 10 सेकंड में वो कितना चला, 50 मीटर। उसके बाद ये डाउन होना शुरू हो गया, और अगले 10 सेकंड में मान लो यहां 20 आ जाएगा, उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, 0। ऐसा कब हुआ होगा आप सोचिएगा, पहले उसका वेग बढ़ा होगा, भाई कोई आदमी चलता है, पहले 10 सेकंड में 50 मीटर चलता है, फिर वो अगले 20 सेकंड में कुछ दूरी चलता है और दूरी उसकी 0 हो जाती है। अब आपसे पूछेगा कि इसके द्वारा यहां पे आप रखिएगा वेग, ये वेग का ग्राफ होगा, पहला वाला ग्राफ पढ़ रहे हैं ना, तो किसका ग्राफ है, वेग का है, और वेग की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड। तो क्या बोलेगा कि कोई वस्तु चलना शुरू करती है, ग्राफ देगा, ग्राफ का मतलब समझ लो कि कोई वस्तु चलना शुरू करती है और शुरू के 10 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ी और फिर उसकी स्पीड कम हो गई। ग्राफ बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आपको कि शुरू के 10 सेकंड में उसकी स्पीड बढ़ी 50 मीटर पर सेकंड तक, और फिर उसने ब्रेक लगाए और बाद के अगले 10 सेकंड में उसकी कार पूरी तरह से रुक गई। तो यहां आपसे पूछेगा कि इसके द्वारा चली गई दूरी बताइए, क्या पूछेगा, उसके द्वारा चली गई दूरी बताइए। तो बच्चे देखिए दूरी कैसे निकालोगे, आपको पता है दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, वेग गुणा समय। अर्थात यहां पे क्या करोगे आप कि वेग और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल ले लोगे, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, क्योंकि दूरी बराबर वेग गुणा समय होता है, तो यह क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। बताइए ये वेग और समय का ग्राफ है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अरे जितना ये त्रिभुज घेरेगा, जितना ये त्रिभुज घेरेगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा आधार कितना है, यहां से लेके यहां तक, यहां 0 है, 0 से लेके 20 तक इसका आधार है, तो कितना हो जाएगा, 20, और इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चे, ये वाली इसकी ऊंचाई है, तो यहां से लेके यहां तक की कितनी है, 50, तो कितना हो जाएगा, 2 से 10 बार काटेंगे, और 50 से 10 बार तो कितना हो जाएगा, 500 मीटर। ऐसा करने में उसने कितनी दूरी चली होगी बच्चे, 500 मीटर की दूरी उसने चली होगी। तो ऐसे निकालते हैं हम ग्राफ से आंसर। बताइए क्या आपको समझ में आया है,
अगर आपको समझ में आया है तो एक बार थम्सअप कर दीजिए, जिनको नहीं समझ में आया है मैं उनको बिल्कुल दोबारा बता देता हूं। अजीत नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। बच्चे क्या होता है, जैसे आपको ग्राफ दे दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ग्राफ का मतलब क्या है कि शुरू के 10 सेकंड में वेग 50 मीटर पर सेकंड होगा और बाद में उसने ब्रेक लगाए उसकी स्पीड जीरो पे आ गई है, ठीक है। अगर जीरो पे उसकी स्पीड आ गई बच्चे, तो आपसे पूछेगा दूरी कितनी होगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणा समय, मतलब वेग और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल ही दूरी हो जाएगा। अब सिंपल क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 20 और ऊंचाई कितनी है इसकी 50, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 500 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताएंगे एक बार, क्या आपको समझ आया, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अलग हटे जाता हूं, इसको आप नोट्स में बच्चे अलग से पेपर ऐड पन्ना ऐड करके लिख लेना, वहीं पे चिपका लेना मोशन में ही, वहीं पे चिपका लेना मोशन में ही चिपका लेना। बेबी नूब, आपको क्लास नहीं मिलती है, बेबी आपको पता तो है टाइम, अरे तो आपका नाम ऐसा है ना बेबी, चलो मैं नूब बोलूंगा, नूब आपका टाइम तो पता है ना कि कितने बजे शुरू होती है, उस टाइम पे आप आ जाया करिए। अब देखो ये तो किसका क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, वेग और समय का, अब एक किसका क्वेश्चन कर लेते हैं, एक त्वरण और समय का ग्राफ देखे लेते हैं, ठीक है बच्चे, एक किसका क्वेश्चन कर लेंगे, त्वरण और समय के ग्राफ का क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो मान के चलिए आपको इस प्रकार से एक क्वेश्चन देगा, ये आपका त्वरण हो जाएगा और ये आपका समय हो जाएगा, वो बोलेगा कि पहले त्वरण मान लो इतना था, फिर इतना हुआ और फिर इतना हो गया, इसका मतलब इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं यहां तक, ठीक है, ये हो गया, मतलब ये लाइन कितनी कितनी है, एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है। मान लो कि यहां पे समय है आपका 5 सेकंड, यहां पे 10 सेकंड है और यहां पे 15 सेकंड है, ये आपका टाइम है जो कि सेकंड में है और ये आपका त्वरण है जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है। मान लेते हैं कि यहां पे जो त्वरण रहा है, यहां पे जो त्वरण रहा है ये कितना रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो लिख दिया मैंने, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस यहां पे 2 लिख लो, ठीक है बच्चे, 2। अब आपसे पूछेगा कि इसमें वेग बताइए, क्या बताइए, वेग, तो मैंने आपको बताया था वेग बराबर क्या होता है भाई, त्वरण बराबर वेग बटे समय, तो वेग बराबर त्वरण गुणा समय, वेग बराबर त्वरण गुणा समय, तो वेग का, वेग यहां से अगर निकालना है तो क्या निकालोगे आप, त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल, त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल, कि त्वरण और समय ग्राफ का क्षेत्रफल कितना होगा, कुल मिला के मुझे इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखें, यह पूरा क्या है, इसमें देखिए दो तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, या तो आप इसको ऐसे बांट लीजिए 2 त्रिभुजों और 1 आयत में बांट लो, या तो आप इसको 2 त्रिभुज और 1 आयत में बांट लो, या फिर अगर आपको डायरेक्टली समझ आ रहा है कि यह समलंब है ट्रेपीजियम, क्या है, समलंब है, क्या है, ट्रेपीजियम है, तो बच्चे ट्रेपीजियम का एरिया आप डायरेक्टली जानते हैं, अगर ट्रेपीजियम से करोगे ना समलंब से तो बहुत आसान हो जाएगा, बांट के करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एक बार आप देखेंगे, अगर आप इसे समलंब से करोगे, समलंब से भाई त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या है, बराबर समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब क्या होता है बच्चे, ट्रेपीजियम, बताएंगे ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 ऊंचाई और इसकी दोनों समांतर भुजाओं का योग। अब देखो ये क्या क्या होती है समझेंगे, कि ऊंचाई तो इसकी ये हो जाएगी, ऊंचाई इसकी यहां से यहां तक की हो जाएगी, है ना, एक दूसरा कलर लेते हैं ये वाला, ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहां से यहां तक की, और इसकी समांतर भुजाएं जो है, एक इनमें से ए मान लो और एक इनमें से बी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको ए मानोगे किसको बी, तो बताएंगे 1/2 ऊंचाई कितनी है बच्चे, इसकी ऊंचाई है एच, ये ऊंचाई कितनी है 2, कितनी है 2, इंटू समांतर भुजाएं कितनी है, ये वाली कितनी है बताइए, ये वाली यहां से यहां तक की, ध्यान से देखना, ए भुजा कितनी है यहां से यहां तक की, है ना, अब यहां से यहां तक की भुजा कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, मतलब 10 में से 5 को माइनस करना पड़ेगा, तो ए कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और बी जो है आपका पूरा है 0 से लेकर 15 तक है, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बताइए समझ आया, 2 से 2 कट जाएगा और 15 × 5 = 20, यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। मयंक सिंह ने बहुत आंसर अच्छा दिया है, मयंक सिंह रोहितपाल साझापुर, वेरी गुड, आपने एरिया का फॉर्मूला बहुत अच्छा लिखा है, दीपक ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। अब देखो दीपक, इसका आंसर जो आएगा ना वो मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हम, एक्चुअली वेग निकाल रहे हैं, तो वेग की जो यूनिट होगी वही इसकी यूनिट हो जाएगी।
बोलिए क्या आपको यह भी समझ में आया है? अगर ये आपको बखूबी समझ में आ गया है तो एक बार आप थम्सअप कर देंगे, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और आप मुझे उसका आंसर बताना, बताएंगे एक बार थम्सअप करके। ये नया कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यूनिट को याद नहीं रखना है। देखो जैसे क्या होता है ना, जब आपको छींक आती है तो आपका हाथ अपने आप यहां चला जाता है, कुछ का तो नहीं जाता, कुछ का तो बड़ी भीड़ में भी हाथ हूं ऐसे करते हैं, लेकिन जिनका हाथ अपने आप चला जाता है समझो वो ऐच्छिक क्रियाएं हो जाती हैं। तो यूनिट को ऐच्छिक क्रिया बनाओ, जब क्वांटिटी पढ़ो उसी के साथ यूनिट पढ़ो, अपने आप दिमाग में आने लगेंगी ये चीजें। इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, अपने आप दिमाग में घूमने लगेंगी। अंजलि एक बार देख लो क्या करना है। वेग, अगर आपको देखो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण गुणा समय, मतलब वेग अगर निकालना है तो त्वरण और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। ठीक है, आगे देखिए, त्वरण और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल, तो इस पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा आपको समलंब, है ना अंजलि, ये समलंब दिख रहा होगा। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या हो, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको कुल मिला के। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ऊंचाई गुणा दोनों भुजाओं का योग। 1/2 ऊंचाई कितनी है इसकी, ये यहां से यहां तक की ऊंचाई है, मतलब ये जो ऊंचाई है ये 2 है, ऊंचाई हो गई, इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है, एक ये समांतर भुजा है, तो इसका बताइए इसका कितना हो जाएगा। देखो इसका कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, तो 10 में से 5 माइनस करोगे तभी तो इतना मिलेगा, मतलब 5 हो जाएगा, और बी कितना है 0 से लेकर 15 तक का, टोटल 15 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 20 आंसर आ जाएगा। बताएंगे एक बार क्या अब आपको समझ में आया है। अगर अब आपको समझ में आया है तो आपके सामने मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, उसे आप सभी मुझे खुद से करके दिखाएंगे। चले बता देना, किसी के डाउट हो तो मैं एक बार और बता दूंगा। अब ये आप क्वेश्चन करा के बताइए, एक कण आराम से शुरू करता है, इसका त्वरण और समय ग्राफ में दिखाया गया है, तो कण की अधिकतम स्थिति बताइए, कण की अधिकतम गति कितनी होगी, बताएंगे सभी। त्वरण और समय के ग्राफ से कण की अधिकतम गति पूछी है, अंजलि बताएंगे। अंजलि आपको अब समझ में आया, और आंसर करेंगे जल्दी से इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप जल्दी से करेंगे अगर आपको ग्राफ से आंसर निकालने समझ में आ गए हैं तो। ये मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। अजीत ने आंसर किया है 55, वेरी गुड, देखते हैं अभी सही है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने आंसर किया, बहुत अच्छा लगा। जल्दी से सभी कैलकुलेट करिए, बहुत कम टाइम लगाया करिए क्वेश्चंस करने में, बस गलती नहीं करनी है। अक्षय त्यागी आंसर कर रहे हैं, कृति शर्मा भी आंसर कर रही है, वेरी गुड, सरवन गोस्वामी वेरी गुड, प्रकाश पांडे जी ने आंसर किया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये ललित नहीं आता है आजकल भाई, ललित कहां रहता है ये, दिनेश 55, अंजलि चलिए थैंक यू, आपको समझ आया, अब आप आंसर करिए जल्दी से। चलो दीपक ने भी आंसर कर दिया, मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है। देखिए बच्चे जिनको समझ नहीं आया, कण की अधिकतम गति, देखो हर बार ये मत रटना कि खाली इसका एरिया निकाल दो, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है उससे, मैं रिकमेंड करूंगा हर बार मत लिखना, ठीक है। सर संख्या लिख दो, बच्चे संख्या लिखी तो हुई है, ये 10 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, दिख तो रहा होगा शायद। अब देखिए गति पूछी है, तो गति बराबर क्या होता है, त्वरण गुणा समय, गति बराबर वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी त्वरण और समय के ग्राफ का क्षेत्रफल, बिल्कुल सही है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है, 0 से लेकर 11 तक का है, और ऊंचाई कितनी है, 0 से लेकर 10 तक की है, तो 2 से कितने बार कटेगा, 5 बार, और 11 × 5 कितना होगा, 55 मीटर पर सेकंड। बताइए, ये बहुत आसान सवाल था। अब मैं उम्मीद करूंगा आप इन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ के आएंगे अगर ग्राफ वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। बेसिक लेवल हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, अब हम मीडियम लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड होते हैं। चलिए अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो एक बार थम्सअप लिख देंगे और आगे बढ़ेंगे। हाँ उज्ज्वल, बिल्कुल इजी होते हैं, बस बात होती है कि हमने कभी पढ़े नहीं होते, ठीक है। आज मैं बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं, कम क्वेश्चन है बट टाइम में ज्यादा दूंगा, जिससे आप ऐसे ही 20-50 क्वेश्चन और अपने आप कर सकें। सर नहीं, नंबर नहीं दिख रहा था, बड़ी मुश्किल से देखा। अच्छा सॉरी भाई, नंबर एक बार देख लेना, 1 11 था और 1 10 था, जैसा मैंने आपको बताया था, बता दिया करिए, मुश्किल मत लगाया करिए, जब मैं हूं तो मुश्किल किस बात की है, नंबर मुझे बताइए मैं बताऊंगा। देखेंगे बच्चे, एक कण पर 1:2 के अनुपात में 2 बल एक साथ कार्य करते हैं, बहुत शानदार। 2 बल हैं, जैसे कि हमेशा हम देखते हैं F1 और F2, 2 बल होते हैं, 1:2 के अनुपात में कर रहे हैं, तो आसानी के लिए इसको 1 और 2 मान लो। क्या कहता है, इन बलों का परिणाम जो है, मतलब जो रिजल्टेंट है, इन बलों का जो रिजल्टेंट है
वो कैसा है, पहले बल का तीन गुना। जो रिजल्टेंट है वो कैसा है, पहले बल का तीन गुना। तो एक का तीन गुना कौन होगा, तीन होगा, इसको तीन मान लेते हैं। तो उनके बीच का कोण क्या होगा, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन आसान था, उसको एक बार देख लेना। अब आगे चलते हैं, तो मुझे बताएंगे कि इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो बच्चे, सिंपल फॉर्मूला हमें लगाना है, आर बराबर रूट अंडर, क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, एफ वन का स्क्वायर, एफ टू का स्क्वायर, टू एफ वन एफ टू और कॉस ऑफ थीटा, यही तो लगाते हैं, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, थ्री बराबर अंडर रूट, एफ वन की वैल्यू कितनी है, वन, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा, ये है एफ टू, टू, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू इंटू एफ वन है वन और एफ टू है टू और कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब क्या करें, वर्ग के अंदर अगर कोई चीज दी हुई है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा, वर्गमूल कैसे लोगे, थ्री का आंसर हो जाएगा नाइन, भाई थ्री का स्क्वायर करोगे नाइन और इस पूरे का वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, एक का स्क्वायर एक होगा, दो का स्क्वायर चार होगा और दो दुनी चार एकम चार होगा, कॉस थीटा, चार और एक पांच होंगे, पांच इधर जाके माइनस में आ जाएंगे और नौ में से पांच जाएंगे तो चार बच जाएंगे, चार बराबर चार कॉस थीटा, चार से चार कट जाएगा, एक बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा के किस मान के लिए, कॉस में वैल्यू वन होती है तो आपको पता होना चाहिए थीटा इक्वल्स टू अगर 45 डिग्री है तो कॉस में वैल्यू कितनी होती है बच्चे, वन होती है। तो जीरो डिग्री आप कैसे आंसर कर रहे हो बताइए मुझे, दीपक रोहित सब जीरो कर रहे हैं सब, अरे बच्चे जीरो डिग्री कहां से आंसर आ गया, 45 डिग्री आंसर आया है, कैलकुलेशन तो आपने की नहीं है, तुक्का मार दिया है। अगर आप जीरो डिग्री कह रहे हैं तो एक बार आप अपना आंसर बताइए मुझे, क्यों होगा जीरो डिग्री, डिलीट करने लग गए, डिलीट करने लग गए बच्चे, जीरो क्यों होगा, जरा मुझे थोड़ा जस्टिफाई करिएगा, कैसे जीरो होगा, क्या ये चीज आपको समझ आई है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, नौ में से पांच गए चार हो जाएंगे, चार से चार और थीटा की वैल्यू वन आ जाएगी, कितना तो आसान है, कॉस जीरो वन होगा तो उज्जवल कहां कॉस जीरो का मान पूछा है, अच्छा सॉरी, ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भैया सॉरी, ठीक है हां, वन और थीटा की वैल्यू जीरो होगी बच्चे, सॉरी सॉरी, मेरे को टेन का याद रह गया, टेन का, तो थीटा की वैल्यू अगर जीरो डिग्री है तो कॉस में कितनी वैल्यू होगी, वन होगी, तो आंसर हो जाएगा आपका जीरो डिग्री। बहुत बहुत सॉरी और बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए। हाँ देखिए पूजा, क्या करना है, अगर आपको कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स को छोड़ के फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स को छोड़ के मैथ्स, एक सब्जेक्ट को समझने के लिए सारे सब्जेक्ट दिमाग में रखिए। त्रिकोणमिति की टेबल हो गई, वो सारी आपको अच्छे से याद रखनी है, जितने सारे एरिया के फॉर्मूले होते हैं वो सब अच्छे से, और वॉल्यूम के, आपने देखा होगा एरिया वॉल्यूम और त्रिकोणमिति तो कहीं भी यूज हो जाती है, तो वो सारी चीजें आप याद रखिए। हाँ बच्चे ठीक है, आपको ये समझ में आया, आप एक बार बताएंगे क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया है, थीटा बराबर जीरो डिग्री, बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट अगर आपको नहीं करवाया जाता तो पेपर में देख के कान गरम होते, पसीना आता और कहते अरे भैया ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो रहे हैं, भैया मास्टर ने तो ऐसा कभी पढ़ाया ही नहीं था, अब हमसे कैसे हो पाएगा, ऐसे सब रोना रोते, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बहुत आराम से आंसर आ जाएंगे। चलिए अब आप मुझे, अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको फिर से मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, ध्यान से समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा था आज मैं आपके लिए दो से तीन नए कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, ध्यान से सुनना एक बार क्या होता है। देखिए बच्चे, जो वेग निकालना सीखा था हमने, वेग और त्वरण, वो दो से तीन तरीके से हम निकालते हैं, एक तो नॉर्मल फॉर्मूले से निकाल दिया, एक नॉर्मल हमने ग्राफ से सीखा, और एक तरीका और होता है जिसको अवकलन और समाकलन विधि बोलते हैं। तो आज मैं आपको हल्का सा समझाने की कोशिश करूंगा अवकलन और समाकलन, अगर नई चीज है आपके लिए तो बच्चे ये भी बिल्कुल डेफिनेट है कि समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट अगर मेंटेलिटी सेट करके बैठोगे कि नहीं समझना है, मतलब नहीं हमें समझना है, ऐसी मेंटलिटी सेट करके बैठोगे कि नहीं हमें समझना है तो आप समझ जाएंगे जरूर। दीपक कह रहे हैं सर आपके आशीर्वाद से कभी सही आंसर दे देते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, नहीं नहीं आप लोग अच्छा आंसर करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अवकलन और समाकलन का कॉन्सेप्ट आप समझिए क्या होता है, ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया उज्ज्वल, जिन्होंने अवकलन पढ़ा है उनके लिए तो बहुत ही आसान है, कैसे समझेंगे, जैसे मान के चलिए आपको दिया है एक्स, है ना, एक्स बराबर दिया हुआ है टी की पावर थ्री प्लस टी स्क्वायर प्लस फाइव, सही है, और इसका आपसे समाकलन करने को बोलेगा, ठीक है, पहले समझ लो एक क्वेश्चन के हेल्प से तो बहुत आसान हो जाएगा समाकलन करने को, तो इसके साथ लगाओगे डी, क्या लगा दोगे डी, तो डी एक्स बन जाएगा, समाकलन का मतलब डी एक्स होता है। अब कैसे करोगे, नोट कर ले, हाँ बिल्कुल आप नोट करेंगे, समाकलन कैसे करते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अक्षय सॉरी, बिल्कुल इंग्लिश बोलेंगे, इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कैसे करोगे,
ध्यान से पढ़ना, समाकलन पढ़ रहे हैं अभी, इंटीग्रेशन। इसकी पावर एक बढ़ा दोगे, टी की पावर एक बढ़ा दोगे, और नीचे जो ऊपर जो लिखा है उसे भी नीचे ही लिख दोगे। टी की पावर एक बढ़ा दोगे और ऊपर जो लिखा है उसे भी नीचे लिख दोगे। और इसके साथ जो टी वगैरह चल रहा है ना, जो टी वाई जेड जो भी है यहां, अगर खाली नंबर है तो उसके साथ वो जोड़ दोगे, ठीक है, उसके साथ वो जोड़ दोगे। अब आप देखिएगा कितना हो जाएगा, टी की पावर कितनी हो जाएंगी, चार बटे नीचे भी चार आएगा, प्लस टी की पावर तीन हो जाएंगी और नीचे भी क्या आएगा, तीन आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फाइव टी। ये होता है समाकलन, इतना ही हमारे काम का है। हालांकि समाकलन बहुत बड़ा फील्ड है, बट इतना हमारे काम का है। अभी बताइएगा पिंटू कुमार मीना, हाँ बताइएगा आप क्या कह रहे हैं। क्या ये आपको समझ में आया, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई समाकलन की? अगर आपको समझ में आ गई है तो समाकलन वाले क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर ले जाएंगे। देखो बच्चे कैसे समाकलन से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए आपसे क्या बोलेगा, होता क्या है, पहले फॉर्मूले को आप देखिए, फॉर्मूला देखिए। जैसे आपको वेग निकालना है, वेग, ठीक है, वेग, तो वेग बराबर क्या होता है, मैंने बताया था भाई क्या होता है, वेग बराबर दूरी बटे समय। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप वेग को, dx बटे dt, क्या लिख सकते हो, dx बटे dt। तो यहां से मुझे बताइए dx बराबर कितना हो जाएगा, dx बराबर v dt हो जाएगा भाई, vx बराबर v into dt। बात आपको समझ में आई? अब क्वेश्चन कैसे देगा, ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, ये चीज याद रखिएगा कि dx बराबर v dt, क्वेश्चन देगा कि v बराबर 3t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7, ऐसे क्वेश्चन देगा, और पूछेगा कि t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पर चली गई दूरी बताइए, चली गई दूरी बताओ, ये पूछेगा आपसे। बच्चे देखो x क्या होता है, चली गई दूरी, और dt क्या है, मतलब समाकलन। ये सब किसकी पहचान कर रहे हैं, ये सब समाकलन की पहचान करा रहे हैं हमें। अब देखिए कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कैसे लिखोगे, dx बराबर v कितना है, v को पूरा लिखो, 3t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7, और क्या कर दो इसका समाकलन। dt क्या याद दिलाता है हमें कि भैया आपको समाकलन करना है। तो मैं उम्मीद करूंगा अब आप आराम से समाकलन कर देंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, t की पावर 2 में 1 जोड़ोगे और 2 और 1 नीचे भी ऐसे ही लिखोगे, 2 प्लस 1, यहां t की पावर अभी कितनी है, 1, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 प्लस 1 लिखेंगे और नीचे भी 1 प्लस 1, नंबर जो लिखे हैं उनको छोड़ देंगे और जो खाली नंबर है उसके साथ t आप जोड़ दोगे। बोलो आपको समझ में आया, बिल्कुल आसान है। समाकलन का चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है वो कंफ्यूजन करेगा बस, यहां हो सकता है आपने पढ़ा हो, बाकी बच्चों ने नहीं पढ़ा तो वो कंफ्यूज करेगा। 3, t की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3, 5, t की पावर कितनी हो जाएंगी, 2, नीचे कितना आएगा, 2, और ये आ जाएगा 7t, सही है। यहां तक मैं उम्मीद करूंगा कोई समस्या आपको नहीं होगी। 3 से 3 कट जाएगा तो कितना लिख दोगे बच्चे, t की पावर 3 प्लस 5 t का स्क्वायर बटे 2 प्लस 7t। ये लास्ट लेवल है आपके हिसाब से, इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। t बराबर 3 सेकंड पर पूछा था, t बराबर 3 सेकंड पर चली गई दूरी, तो t की वैल्यू कितनी रख दोगे हर जगह, 3, तो 3 की पावर 3 प्लस 5 गुणा 3 की पावर 2 बटे 2 प्लस 7 गुणा 3, मैंने t की जगह हर जगह 3 रख दिया, तो 3 तिया 9 तिया 27 और 2 5 3 तिया 9 3 तिया 9 बटे 2 हो जाएगा, प्लस 7 3 जा 21 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5 प्लस हो जाएगा 21, जोड़ लेंगे कितना होगा बच्चे 40 60 70.5 मेरे हिसाब से आ जाएगा। तो कण कितनी दूरी चलेगा, 70.5 मीटर की दूरी चलेगा, ठीक है, लहराता हुआ, अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बार बताएंगे क्या आपको यह समझ आया है, क्या अब यह आपको समझ में आया है, बताइए क्या यह क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल था? अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेंगे तो यह सेकेंड्स का क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए इतना बड़ा किया है, बट ये बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप इसे आराम से पढ़ लेंगे। अरे पिंटू कुमार, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO की मॉर्निंग में क्लास क्यों नहीं ली? भाई कौन कह रहा है नहीं ली थी, आपने नहीं ली होगी बच्चे, मैंने तो ली है। क्या होता है कि जब बिल्ली आती है ना, तो कबूतर छत पे अकेला होता है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, उसे लगता है मेरी आंखों के सामने अंधेरा तो दुनिया में अंधेरा है। बच्चे आपने क्लास नहीं ली तो
हमने भी नहीं लिया, ऐसा तो नहीं होगा रोहित, कोई बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, आपने अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मान लो समाकलन का सह भी नहीं आता, इंटीग्रेशन का आई नहीं आता, अब आपको आया कि नहीं आया मुझे बस इतना बता दीजिए। इसीलिए मैंने आपको बहुत बेसिक से पढ़ाया है, हमें यह मतलब नहीं है हम क्या पढ़ के आए हैं, हमें मतलब है हम अब क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अरे भाई पूजा, अवकलन समाकलन से क्या आपको कोई पीएचडी करनी है, आपको यह नहीं करना है, आपको पूजा यह नहीं करना है अवकलन समाकलन क्या होता है, कभी आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सेपरेटली बहुत अच्छे से बता दूंगा, बट उसकी कोई जरूरत यहां पे नहीं है। आपको बस क्वेश्चन करना है और यह देख लीजिए क्या आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बस आगे बढ़ जाते हैं, बाकी इसमें ज्यादा मत सोचिए कौन क्या है कहां क्या नहीं है, ठीक है। चलो अगर आप कर पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम है, इस क्वेश्चन को आप खुद से करने का ट्राई करेंगे। देखो क्या करना पड़ेगा, वो कहता है 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर एक बल लग रहा है और बल कैसा है, 6t² + 4t, देखो 6t² कौन सी दिशा में है, आई दिशा में, प्लस 4t दिशा में, 4t जो है वो जे दिशा में है। तो t बराबर 3 सेकंड पर वस्तु का वेग बताइए, m बराबर 3 किलोग्राम है, वेग पूछा है t बराबर 3 सेकंड पर, सही है। चलो कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे जरा, फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, f बराबर m a, m a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dv/dt। देखो पहले तो एक चीज समझो कि ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, ठीक है। अब अगर मुझे कब कंफर्टेबल होगा, मुझे कब कंफर्टेबल होगा कि जब आपको चीजें ज्यादा समझ में आए, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, आसान आसान चीजें लाके आपके सामने पटक सकता हूं, लेकिन क्या वो जस्टिफाइड है मुझे बताइए। जब हम आसान चीजें पढ़ाते हैं जो बच्चे को पहले से आती हैं, तो बच्चा बड़ा खुश होता है और हमारी तारीफ करता है, तो मेरे लिए आसान क्या है, आसान चीजें पढ़ाना। लेकिन अगर बच्चे में कहीं मुश्किल चीजें ला रहा हूं, कुछ 2-4-6 बच्चों का मुझे विरोध भी झेलना पड़ता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर समझ नहीं आया, पढ़ा ठीक नहीं रहे हो सर, ये तो बहुत हार्ड लेवल हो जाएगा, तो क्या वो मेरे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, डेफिनेटली नुकसानदायक है, बट फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे बताया अगर 100 में से 4 बच्चे मेरी बुराई करते हैं, 96 का बेनिफिट होता है, तो मैं उन 96 के साथ हूं, 4 बच्चों की बुराई में झेलने के लिए तैयार हूं। तो बच्चे बिल्कुल भी आप ये मत सोचो कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, ये तो हमसे नहीं हो पा रहे हैं। मैं कहता हूं अगर हो, अगर आ गया तो क्या कर लोगे बताओ पेपर में, मैं कहता हूं नहीं आएगा, है ना, 99% नहीं आएगा, लेकिन अगर 1% आ गया, अगर 1% आ गया तो आप लाखों बच्चों से आगे हो जाओगे ऐसे क्वेश्चन को करते ही, और ये सिलेबस के ही क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप भरोसा रख के पढ़िए, मेहनत करिए, बिल्कुल कोई क्वेश्चन मार्क उठाने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल होमवर्क में ही दूंगा दीपक, बस समझाई देता हूं कैसे करना है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू dv/dt, मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था वेग, कुल मिला के एफ बराबर क्या निकाल लिया मैंने, md/dt, उल्टा लिख दिया मैंने, एफ बराबर md/dt। अगर मैं समझाने के लिए तैयार हूं तो आप भी समझने के लिए तैयार रहिए, ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए। यहां से डीवी की वैल्यू निकालोगे कितनी हो जाएगी, f/md/dt हो जाएगी, m नीचे आ जाएगा, dt ऊपर पहुंच जाएगा और यहां हो जाएगा dv। अर्थात अगर आपको dv चाहिएगा, अगर आपको dv चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको f/md/dt करना पड़ेगा। यह बात आपको समझ में आई है। अब देखेंगे f/md/dt कैसे करोगे, यहां देख लो एक बार, यहां देख लेते f/md/dt कैसे करोगे भाई, dv बराबर f/md/dt, f कितना है, 6t² ये i कैप है, प्लस 4t j कैप है, और इसको डिवाइड करोगे किससे, m से, m क्या है 1/3, और इसका क्या कर दोगे, dt कर दोगे, बिल्कुल सिंपल t के साथ करना है। बस इसमें आप क्या करना कि सबको जोड़ना मत, i वालों को अलग रखना, j वालों को अलग, तो i और j में अलग अलग आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल ने आंसर कर दिया है और सरवन गोस्वामी ने आंसर कर दिया है और मुझे लगभग इनके आंसर ठीक भी लग रहे हैं, एक बार आप चेक कर लेना कि क्या आंसर होगा, आई में अलग आंसर करना और जे में अलग आंसर करना, और मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूं, ठीक है। नहीं समझ में आए कल मुझसे आप पूछ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताएंगे औसत गति से औसत वेग का संख्यात्मक अनुपात क्या होता है, बताएंगे जरा औसत गति से औसत वेग का संख्यात्मक अनुपात क्या होता है। हमने क्या पढ़ा था कि जो गति होती है, जो गति होती है, गति का निर्माण किससे होता है, गति का निर्माण होता है आपका औसत गति से औसत वेग। तो गति को इंग्लिश में क्या बोलोगे आप, स्पीड बोलोगे, स्पीड, और स्पीड का निर्माण किससे होता है, दूरी, दूरी यानी डिस्टेंस से, और डिस्टेंस क्या हो सकती है, डिस्टेंस
अब देखो दो चीज थी, और वेग का निर्माण किससे होता है, गति का निर्माण हो गया, और बच्चे वेग का निर्माण होता है डिस्प्लेसमेंट से, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट से। मान के चलिए आप यहां से यहां तक जाते हैं, ए से बी तक जाते हैं, ठीक है, ये 100 किलोमीटर है और ये आपका कितना है 30 किलोमीटर वापस आए। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसा करने में दूरी और डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे, बताइए दूरी और डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे। आप कहोगे कि सर दूरी तो होगी, कितनी दूरी तो होगी 130 किलोमीटर, और विस्थापन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप यहां से यहां तक गए हैं बस विस्थापन का मतलब, तो 70 हो जाएगा, 70 किलोमीटर। तो दूरी हमेशा बड़ी रहेगी, दूरी हमेशा बड़ी ही रहेगी। अगर दूरी हमेशा बड़ी रहेगी, और वो क्या पूछ रहा है, गति से वेग का अनुपात, मतलब गति किससे मिलकर बनती है, दूरी से, और वेग किससे मिलकर बनता है, विस्थापन से, ये बनता है डिस्टेंस से और ये बनता है आपका डिस्प्लेसमेंट से। तो बताइए डिस्टेंस तो हमेशा ही ज्यादा रहनी है, जब फ्रैक्शन में ऊपर की चीज हमेशा ज्यादा होती है, फ्रैक्शन में ऊपर की चीज हमेशा ज्यादा होती है तो आंसर हमेशा एक से बड़ा होता है, ठीक है, आंसर हमेशा एक से बड़ा होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बराबर हो जाएं तो आंसर एक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये छोटी हो जाए। क्या आपको बात समझ आ रही है, इसका मतलब या तो इनका अनुपात हमेशा एक से बड़ा रहेगा या एक के बराबर रहेगा, या तो एक होगा हमेशा एक या एक से अधिक, हमेशा एक से अधिक या एक के बराबर, ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आई कि हमेशा एक से अधिक या एक के बराबर रहेगा, क्योंकि समझिए दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं। जब आप यहां से यहां तक गए तो बताइए ए से लेके बी तक दूरी कितनी है और विस्थापन कितना है। आप कहोगे सर दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हैं, तो बच्चे बराबर भी हो सकते हैं, और ये कैसे हो सकते हैं, ये बराबर भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बताएंगे क्या आपको आज के क्वेश्चन थोड़े से अलग ही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल उज्जवल, बिल्कुल यही होगा। चलो बच्चे जो चीजें आपने वेग त्वरण और समय में सीख ली हैं, अगर मैं आपको वही गति के समीकरणों में उलझाए रखूं, मात्रकों में उलझाए रखूं, छोटी मोटी चीजों में उलझाए रखूं जो आपको पहले से आती हैं, तो खाली आपको खुश करने जैसी चीज हो जाएगी, और बच्चे खुश करने से आपको एग्जाम नहीं निकलेगा। अगर मैं आपको यहां खड़ा होकर खुश करता रहूं उससे एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। सचिन कुमार कह रहे हैं सर जी कितनी क्लास होंगे, अरे सचिन अभी तो शुरू हुई है, बच्चे पूरी सीरीज हम सिलेबस की खत्म कर चुके हैं और क्वेश्चन की सीरीज अब हमने शुरू की है। दीपक कह रहे हैं सर जी बेस्ट हमें लेट डूबता है, दीपक यहां डूब जाना, इस टाइम डूब जाना, प्रैक्टिस में डूब जाना, मॉक टेस्ट में डूब जाना बहुत आसान है मेन एग्जाम में डूबे जाने से। और मैं आपको बताऊं तो डूबना हर किसी को है एक से दो बार, लेकिन वो अगर पहले ही डूब ले तो अच्छा है, वो कभी एग्जाम में नहीं डूबेगा, जो यहां डूब लिया वो एग्जाम में नहीं डूबेगा। बताएंगे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे क्या हो सकता है, अगर आपने ये कर लिया तो समझ में आपके में सब आ जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है मैं आपको समझाई देता हूं। एक कण ए से शुरू होकर 1 मीटर लंबाई के एक वर्ग की भुजा के साथ चलता है, ये आपका वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है 1 मीटर है, ये है आपका ए बी सी और डी। तो देखेंगे 1 मीटर की लंबाई है, ए और ए से बी और बी से सी की यात्रा करके विपरीत कोने सी तक पहुंच जाता है, तो कैसे जाएगा ए से सी तक, पहले ए से बी जाएगा और फिर बी से सी जाएगा, बहुत बढ़िया। सबकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, यदि लिया गया समय टी हो तो कण का औसत वेग ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चे क्या होगा, आपसे पूछा है वेग, अगर वेग पूछा है तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। मेरी बात से एग्री करते हैं भाई, वेग का मतलब क्या हो जाएगा, वेग का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विस्थापन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि ए से बी तक जाएगा, बी से सी तक जाएगा, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आंसर देखिए एक बार आप, लेकिन आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, आपको उसके फैलाए हुए जाल में नहीं पड़ना है बिल्कुल भी, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, विस्थापन कैलकुलेट करना है डायरेक्टली, यहां से यहां तक का कर दीजिए। अब मैं इतनी उम्मीद करूंगा आपको इतनी मैथमेटिक्स आती होगी कि अगर ये एक है ये एक है तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये बात सबको समझ आती है भाई, अगर ये एक है एक है, मान लो एल है, एल दे रखा है, सॉरी वो एक नहीं है, ये एल है और ये भी कितनी है एल, तो अंडर रूट 2 एल हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण आपको आता होगा, और क्या पूछ रहा है वेग, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन कितना है अंडर रूट 2 एल और समय कितना है आपका टी, ठीक है। अगर यही आपसे चाल पूछता, स्पीड पूछता, तो बच्चे स्पीड के लिए क्या लगाते हैं आप, जैसे जैसे वो जहां जहां से गया है उसी को आप यूज करते, जैसे वो यहां गया तो कितनी दूरी चलेगा 1 एल, और 1 एल कितना हो जाएगा
दो एल, तो दो एल की दूरी चलेगा और समय हो जाएगा टी। तो चाल का ऑप्शन ये हो जाएगा, वेग का ये हो जाएगा, इसमें बी आपका आंसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आप एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना। अभी थोड़ा सा मुझे क्वेश्चंस पे फोकस कर लेने दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ क्वेश्चन लाता हूं मैं बहुत छांट छूट के, और अगर वो रह गए तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। आपके आंसर्स तो मैं बाद में भी दे लूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चंस बाद में नहीं दे पाऊंगा। आपके क्वेश्चंस के आंसर करने के चक्कर में मुझे आपका अपना टाइम वेस्ट करना। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स हैं एक बार आप पूछ लेना। देखो क्या पूछा है आपको, बहुत बड़ी सी कहानी दी है और लास्ट में आपसे औसत वेग पूछा है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्या कर रहा है वो, वहीं तक, वहीं से आ रही है वहीं तक जा रही है, किरण ने यहां से यहां तक गई और यहां से यहां तक आई, तो औसत वेग क्या हो जाएगा, शून्य। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना, नाइन का हो जाएगा ए। उज्ज्वल बहुत सही आंसर आपका है। सचिन कमेंट को रिपीट मत करिए, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। टी नहीं होगा बच्चे, नाव और धारा वाले कॉन्सेप्ट मत लगाइए, वहीं तक आ रही है वहीं तक वापस जा रही है, वहीं तक आ रही है वहीं तक वापस जा रही है, तो क्या हो जाएगा आपका, वहीं से आ रही है वहीं तक जा रही है, तो वेग आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो आपका ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या ये आपको समझ में आया, दीपक कहां है, दीपक कहां चला गया, ठीक है ए आंसर कर रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे दसवें का, किसी प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है, बताएंगे प्रक्षेप्य का पथ कैसा होता है। प्रक्षेप्य होता है प्रोजेक्टाइल, आपने ये जैसे एक बॉल फेंकी तो बॉल जो पाथ ट्रेवल कर रही है ये कैसा पाथ है, इसको मैथ में क्या बोला जाता है, बताएंगे एक बार। राखी, अंजलि, उज्जवल बी आंसर कर रहे हैं, इनका आंसर है परवलाकार, वेरी गुड। कैसा होता है बच्चे, प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, प्रोजेक्टाइल जो पाथ ट्रेवल करता है वो आपका कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ आपका होता है, परवलय पाथ आपका होता है, वेरी गुड। चलिए एक बार मुझे सभी इसके आंसर वो लिख के बताएंगे फॉर्मूले, कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, ऊंचाई का क्या होता है, आर का क्या होता है और टी का क्या होता है, एक बार मुझे फॉर्मूले लिख के बताएंगे। ऊंचाई का होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, याद रखेंगे सब में टू 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 आएगा। उसके बाद आर जो होती है, आर का फॉर्मूला क्या होगा, आर का जो फॉर्मूला होगा उसमें यू स्क्वायर, स्क्वायर की जगह टू लग जाएगा, टू थीटा और नीचे से टू गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा। टाइम का क्या हो जाएगा, सब में से टू हटा दीजिए, टू पहले ले आइए, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये तीन फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, वेरी गुड। एच का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, बहुत शानदार उज्ज्वल, बहुत ही बढ़िया बच्चे। फॉर्मूले भी साथ के साथ याद रखिए, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, उज्ज्वल टाइम का आंसर बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। अब मुझे बताइए कि अधिकतम ऊंचाई कितने डिग्री पर होती है, एच मैक्सिमम कितने डिग्री पर होती है, आपका आंसर होगा भैया थीटा बराबर 90 डिग्री पर एच मैक्सिमम होती है, और उसमें से अगर मैं थीटा को गायब कर दूं तो कितना बच जाएगा, बस यू स्क्वायर बाई टू जी। अगर मैं पूछूं आर मैक्सिमम कितनी होती है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर आर मैक्सिमम होती है, और उसमें से अगर थीटा को गायब ही कर दो तो आंसर आएगा यू स्क्वायर बाई जी। इसका मतलब कभी क्वेश्चन में अगर अधिकतम की बात करे तो आपको थीटा बिल्कुल भी नहीं लेना है, बात समझे। अगर क्वेश्चन में कभी भी मैक्सिमम की बात करें तो थीटा आपको कभी भी नहीं लेना है, चाहे थीटा गिवन भी हो तो भी थीटा आपको नहीं लेना है। क्या आपको समझ में आई ये बात। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जो हाई जंप वाले खिलाड़ी होते हैं कितने डिग्री पे कूदना चाहिए, 90 डिग्री पे। भाला फेंक वाले खिलाड़ी को कितने डिग्री पे भाला फेंकना चाहिए, जिससे दूर तक जाके गिरे, 45 डिग्री पे भाला उसको फेंकना चाहिए। क्या बोलिए आपको ये सारी बातें समझ में आई। प्रोजेक्टाइल में, प्रक्षेप्य में अगर आपको इतना भी आता है तो इतना ही बहुत है। अच्छा मुझे बताइए एक क्वेश्चन और बनता है प्रोजेक्टाइल से, कि कभी भी कौन सा वेग का घटक शून्य नहीं होता है, कभी भी कौन से वेग का घटक शून्य नहीं होता है, क्षैतिज, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर। देखिए क्या हो रहा है, अगर आप ऊर्ध्वाधर में देखें इसके दो घटक हैं, मान लो अगर मैं यही चेक करूं तो इसके दो घटक आ जाएंगे, एक ऊर्ध्वाधर आएगा और एक क्षैतिज आएगा। एक बल, एक गति इसको ऊपर खींच रही है और एक गति इसको इधर बढ़ा रही है,
तो यहां पे जाने के बाद क्या होगा कि खाली इसका ये वाला घटक रह जाएगा, ये अब ऊपर थोड़ी ना जा रही है, ऊपर नहीं जा रही है तो ऊपर वाला घटक क्या हो जाएगा, जीरो। क्षैतिज घटक हमेशा बना रहेगा, तो याद रखेंगे कि क्षैतिज घटक कभी शून्य नहीं होगा। क्षैतिज घटक किसका, वेग का, वेग का क्षैतिज घटक कभी शून्य नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो लिख देना ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगा। लंबवत घटक जीरो हो सकता है, हॉरिजॉन्टल घटक कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बताइए आपको ये वाली बात समझ में आ गई, अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो थम्स अप कर दीजिए और फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। बच्चे आपको कुछ भी नया मिलता है तो नोट्स में जाना, अभी रफ में लिख लो, नोट्स में जाना और रफ अपने नोट्स में उनको ऐसे ही छाप देना, कहीं भी जगह देख के, कोई छोटे मोटे पेज पे लिख के वहीं चिपका देना फेविकॉल से, अलग इनको मत लिखना, अलग की चीजें कभी नहीं पढ़ी जाती हैं, वहीं इनको लिखना। तो बहुत सारी चीजें हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ ली, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल कैसा लगेगा। देखिए ये पीछे का पहिया है इसका, मान लो ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो बताइए घर्षण बल कहां लगेगा, बताएंगे एक बार, ऐसे घूम रहा है तो घर्षण बल कहां लगेगा बताएंगे एक बार, बताएंगे जल्दी से, घर्षण बल कहां लगेगा। याद रखेंगे एक मेरी बात कि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत होता है, बल की दिशा के विपरीत नहीं होता है, गति की दिशा के विपरीत होता है। तो गति कहां हो रही है पहिए की, आगे की तरफ गति हो रही है, तो घर्षण बल कहां लगेगा बच्चे, पीछे की तरफ घर्षण बल लगेगा। इस वाली बात से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अरे यार नाराज हो गए, क्या हो रहा था, ये पहिया जो था ये कहां बढ़ रहा है, आगे। तो इतना याद रखिए कि घर्षण बल कहां लगेगा, पीछे लगेगा, तो पश्चिम दिशा में घर्षण बल लगेगा, वेरी गुड, पश्चिम दिशा में घर्षण बल लगेगा, इन द रिवर्स डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन में घर्षण बल लगेगा। बताइए घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है, कार्य का मतलब क्या हो गया कि घर्षण बल हमारे हमेशा कार्य को, कार्य की बात कर रहा हूं मैं, कार्य की, क्या कार्य को कम करता है या कभी बढ़ा भी देता है, बताइए आपने जो कार्य किया क्या घर्षण बल कभी बढ़ा देता है, बताएंगे क्या कभी बढ़ा पाता है आपके द्वारा किए गए कार्य को या हमेशा उसे कम करता है। देखो उस चीज पे मत जाना कि घर्षण हमारे लिए यूजफुल भी है, यूजफुल है दूसरी चीजों में, लेकिन मेरे हिसाब से कार्य को तो हमेशा ही घटाता है ना, घर्षण यूजफुल है डेफिनेटली, चलने के लिए, पेन पेपर पे लिखने के लिए, उन सबके लिए यूजफुल है, लेकिन कार्य के लिए कभी यूजफुल नहीं है, हमेशा कार्य को कम करता है। परंतु पूछे क्या घर्षण हमेशा खराब होता है, बताएंगे क्या घर्षण हमेशा खराब होता है, अगर ऐसा आंसर होता तो क्या होगा आपका ऑप्शन, बताएंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा निगेटिव वर्क है, हमारे द्वारा किए गए कार्य में कमी लाता है। अगर ऐसे पूछे कि घर्षण हमारे लिए क्या हमेशा बेकार होता है, तो आप कहेंगे नहीं, हमारे लिए हमेशा बेकार नहीं होता है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है, ठीक है बच्चे। चलो बहुत शानदार आपके आंसर, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसमें आप बताएंगे, ये वेक्टर का क्वेश्चन है और वेक्टर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप, ये हो गया। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, इसको थोड़ा यहां लिखते हैं क्योंकि यहां पे आ नहीं पाएगा। ओहो ये तो चीजें नाराज बहुत होती हैं, इसको यहां लिख लेते हैं थ्री आई माइनस टू जे प्लस टू के, और इसके डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ बच्चे, 2i माइनस एक्स जे और प्लस 3k के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट है। बताएंगे डॉट प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करोगे, देखेंगे एक बार। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i की बस i से होगी, j की j से होगी और k की k से होगी। सचिन कुमार कह रहे हैं पेपर कब होगा, सचिन बच्चे बहुत पूछते हैं और मेरे पास आज इसका एक जवाब है। क्या आप मुझे बताइए, आपको जितना मैंने पढ़ाया है उसके सारे क्वेश्चन आते थे, एक बार इसका मुझे ये जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा पेपर कब होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 3 2 6 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस 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 ही रहेगा और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। और इधर में कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, बराबर 12 है, बराबर कितना है 12, बराबर 12 है। बताएंगे बच्चे जो आपने कल की सीरीज अटेम्प्ट की और आज की क्या आपको 100% आता था, बताएंगे। अगर सचिन नहीं आता है, पेपर कल होने लगा, तो कैसे पेपर दे पाएंगे, बताइए कैसे आप पेपर दे पाएंगे, मुझे एक बात बताइए।
बच्चे पहले आप खुद को तो तैयार करिए, आप तो कोशिश करिए पेपर अभी महीने डेढ़ महीने दो महीने लेट ही हो, क्योंकि आपको सच में बहुत नहीं आता है, ये आपको कल की और आज की सीरीज करके पता लग चुका होगा। ठीक है, 12 तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12, और 12 में से 12 जाएंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर ऑप्शन बच्चे 0 होना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं है, तो इसका आंसर एक बार मैंने कहीं गलती तो नहीं की है, 3 2 6 है, 2 1 2 है और 2 3 6 है, 12 में से 12 जाएंगे 0, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बच्चे 0 होना चाहिए था, 0 नहीं है तो आप 0 बना लीजिए, ठीक है, 0 ही होगा, वेरी गुड, 0 आ रहा है, हाँ दीपक मेरा भी 0 आ रहा है। तो ये मत छोड़िए कि पेपर कब होगा कैसे होगा, आप ये देखिए आप कितने तैयार हैं, अगर आप कल ही पेपर देने के लिए तैयार हैं तो आप करिएगा। अब लो दीप वाजपेयी, आप तो भैया हमसे लड़ने बैठ गए। दीप जी अगर आपको हमारी बात बुरी लगी है तो बहुत बहुत सॉरी, आप दीप जी कह रहे हैं कि वो तो किसी को पढ़ने के बाद भी 100% नहीं आता, दीप 100% नहीं आता तो कम से कम उतना तो लेके आइए जितना दूसरे बच्चों को आता है, हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर को 80% आता है, तो आपको 80% तो आना चाहिए बच्चे, बोलिए क्या मैं गलत कह रहा हूं, 80% अगर उसको आता है तो आपको 80% आना चाहिए, पता चला आपको 40-50% ही आता है। मैंने कभी नहीं देखा कि कल पेपर है तो बच्चे ने यह कहा है कि यार आज मेरा सिलेबस कंप्लीट है, मैंने कभी नहीं देखा, बच्चा हमेशा यह कहता है कि यार एक दिन और मिल जाता, आधा घंटा और मिल जाता तो मेरा अच्छा पेपर हो जाता। इवन सेकंड शिफ्ट वाला बच्चा क्या सोचता, फर्स्ट शिफ्ट वाला बच्चा यह सोचता मेरा सेकंड शिफ्ट में होता तो भी मैं बहुत अच्छा होता। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपके लिए टाइम सफिशिएंट होता है। तो हमारे द्वारा किए गए आज के ये 13 questions थे, 13 questions में से मैंने ग्राफ में आपको 2 extra questions करवा दिए और 2 ही questions मैंने आपको उसमें अलग करवा दिए थे, तो करीब करीब 20 के आसपास हमने क्वेश्चंस करे हैं और हमने बहुत ढेर सारी नई बातें उनमें सीखी हैं। कुछ होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, अगर आपसे होते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में आपके उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जरूर करूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत कुछ काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज मेरे पास आपके लिए 2 lines है, वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, है ना, कुछ मेरे द्वारा लिखी गई लाइन्स है तो मैं आपको बहुत जरूर सुनाना चाहूंगा। तो सुनेंगे कैसे हैं कि कोई रूठा हुआ है मना लूं क्या, कोई रूठा हुआ है मना लूं क्या, मुरझाया हुआ है सहला दूं क्या, कोई रूठा हुआ है मना लूं क्या, मुरझाया हुआ है सहला दूं क्या, उलझा हुआ है सुलझा दूं क्या, उलझा हुआ है सुलझा दूं क्या, एक अधूरी दुआ है उसकी, एक अधूरी दुआ है उसकी, खुद को खुदा बना लूं क्या, एक अधूरी दुआ है उसकी, खुद को खुदा बना लूं क्या। आगे सुनिएगा, तपिश में कोई जलता है, तपिश में कोई जलता है खुद को मरहम बना लूं क्या, तपिश में कोई जलता है खुद को मरहम बना लूं क्या, बेख्वाबी की इस दुनिया में, बेख्वाबी की इस दुनिया में एक सुंदर ख्वाब सजा लूं क्या, बेख्वाबी की इस दुनिया में एक सुंदर ख्वाब सजा लूं क्या, उठती लहरों के तूफान को, उठती लहरों के तूफान को किनारे तक पहुंचा दूं क्या, और तैरती हुई उस नाव को खुद की पतवार बना दूं क्या, तैरती हुई इस नाव की खुद को पतवार बना दूं क्या। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस तरह से सीजन को अटेंड करते रहेंगे, बहुत शानदार तरीके से आप रिवीजन करते रहेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में बहुत बेहतरीन अच्छे क्वेश्चंस के साथ, और कल हम जो क्वेश्चन कर रहे होंगे वो गति के नियमों पर कर रहे होंगे, आज हमने गति पढ़ा था और कल हम करेंगे गति के नियम। तो आपको क्लास कैसी लगी है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल तक, कल के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।